नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। एक और सीट का एग्जिट पोल लेकर आया हूं। इस बार की सीट है सीमांचल की सीट पूर्णिया। पूर्णिया में किस दल ने इस बार बाजी मारी, जनता ने किसे चुना इस बार पूर्णिया में, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले बता दूं कि इस बार पूर्णिया में 64.5% पोलिंग हुई, जबकि 2014 के मुकाबले यह 0.19% ही ज़्यादा है मात्र। 2014 में भी 64.31% की वोटिंग हुई थी और कुल मतदाता यहाँ 15,82,967 हैं और यहाँ पर 64% मतदान हुआ। दो कैंडिडेट के बीच सीधे फाइट यहाँ, संतोष कुमार कुशवाहा जेडीयू से और उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह कांग्रेस से इस बार उम्मीदवार। कुल 16 उम्मीदवार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन जनता ने किसे चुना ये हम आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर 2004-2009 में उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह बीजेपी से ही सांसद रहे, चुनकर सदन गए, लेकिन इस बार यह सीट जेडीयू के खाते में गई। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने पाला बदला, कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पूर्णिया में ये कहा जाता था बीजेपी मतलब उदय सिंह और पप्पू सिंह के ही बदौलत बीजेपी वहाँ पर टिकी हुई थी, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन जनता ने क्या मोदी लहर को चुना है या पूर्णिया में एक बार फिर से उदय सिंह और पप्पू सिंह का जादू चला है। हमारा एग्जिट पोल जो हमारा सर्वे कह रहा है, वहाँ पर जो हमने सैंपल साइज इकट्ठा किए उसके अनुसार यह सीट इस बार उदय सिंह और पप्पू सिंह के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ हमारे सैंपल साइज के अनुसार कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है, जेडीयू इस सीट पर चुनाव नहीं जीत रही, संतोष कुमार कुशवाहा इस सीट से चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। ये कह सकते हैं हम कि इस सीट पर जीत हार का अंतर बहुत ही कम होने वाला है। जीत हार का जो वोट का अंतर होगा वो कुछ ही हजारों का ही होगा, जिससे उदय सिंह और पप्पू सिंह जीत हासिल करेंगे। यहाँ पर इनके पक्ष में, एक तो उदय सिंह और पप्पू सिंह के पक्ष में बीजेपी का कुछ वोट बैंक भी रहा है जो पहले से इनके साथ था, साथ ही ठाकुर वोट, राजपूत वोट, यादव और मुस्लिम वोटों ने भी इनके पक्ष में वोटरों ने वोट किया है, जिसकी वजह से हमारे एग्जिट पोल में, लाइव सिटीज़ के एग्जिट पोल में पूर्णिया से उदय सिंह और पप्पू सिंह जीतते नज़र आ रहे हैं। आगे और भी सीटों की हम एग्जिट पोल आपको बताएंगे। आप लगातार अपनी सीट की एग्जिट पोल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।